मंदिर में अभिषेक के लिए घर से पानी ले जा सकते हैं, तो भी बोरिंग के पानी का दोष तो नहीं है? नहीं, आप अपने घर से पानी ले जा सकते हैं, और आपके घर में बोरिंग हो तो पानी ले जाके बोरिंग से के पानी से कर सकते हैं। कुएं के पानी से लाख गुना बोरिंग का पानी स्वच्छ है। हमें एक बात समझ में नहीं आ रही कि मंदिर की प्रतिमा के लिए इतना विचार कर रहे हैं, और आप लोग बाजार से पानी खरीद खरीद के पर नहीं, उल्टा सीधा पी रहे, वहाँ विचार करना चाहिए, तो वो तो कर नहीं रहे आप लोग। जितने बिस्लरी के पानी आ रहे मालूम, केमिकल्स डाल के बनाए जाते, सब किए जाते हैं, हैं? और बोरिंग का पानी शुद्ध है, शुद्ध है। देखिए सर, एक मिनट, पानी तो खींचने में भी हिंसा, जब बाल्टी गिरती हो कितने जीव मरते हैं कुएं के, मालूम है आपको? और जो रस्सी नीचे जाती है पाँव पे पड़ती है, तो पाँव का पड़ा हुआ पानी के उसमें डालें? आचार्य समन्द पद ने लिखा है, साबद्ध लेसो पुण्य रासो। अगर भगवान की पूजा करने के लिए थोड़ी हिंसा होती है, साबद्ध लेसो पुण्य रासो, कह रहे हैं कि थोड़ी सी हिंसा होती है लेकिन पुण्य का इतना आता बहाव आता है, जैसे समुद्र में एक बूंद जहर की डाल दे तो उसका प्रभाव खत्म हो जाता है। दोनों बातें, और फिर मंदिर बनाने में हिंसा है, फिर मूर्ति लाने में हिंसा, उस सब में किस में हिंसा नहीं है, लेकिन हमें हमारे परिणामों में हिंसा का भाव नहीं होना चाहिए। इसलिए बोरिंग के पानी में कोई, बोरिंग का पानी तो आपका त्रसजीव से रहित होता है, और कुएं का पानी त्रसजीवों से भरा होता है, तो वो ज़्यादा गंदा है। झरने का पानी, बहता पानी, बोरिंग का पानी जो नीचे पृथ्वी बह रहा, वो सब त्रसजीवों से रहित माने गए हैं, लेकिन कुएं के पानी में नियम से हिंसा है।